हेलो फ्रेंड्स, क्विक एंड इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है पोहा इडली। जी हाँ, जिसमें ना तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं चावल, ना उड़द दाल और ना ही हमको रात भर फर्मेंट करने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे तो इडली कैसे बनेगी, तो पहले आपको दिखा ही देती हूँ। देखिए, इतनी सॉफ्ट के मुंह में रुई के जैसे घुल जाने वाली इडली है ये। तो चले पहले देख ही लेते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस इडली को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पोहा, दही, खट्टा दही जरूरत नहीं, नॉर्मल दही अच्छा रहेगा, इडली रवा की जगह आप यहाँ उपमा रवा भी ले सकते हैं। साथ में चाहिए होगा इनो, नमक और जरा सा ऑयल। तो चले प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पोहा लिया और उसको हम ग्राइंड करेंगे। एक बढ़िया पाउडर हमें चाहिए होगा। देखिए, ग्राइंड हो गया है। अच्छी तरीके से इसको हमें कोर्स पाउडर में ग्राइंड करना है। इससे इडली हमारी दानेदार बनेगी। बहुत ज्यादा ग्राइंड कर देंगे तो मजेदारी नहीं आएगी। बस अब हम इसमें मिलाएंगे दही। ताजा दही अच्छा है, बहुत खट्टा दही हमें नहीं चाहिए। बस अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने पानी नहीं डाला है, पहले हम इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। अब हम डालेंगे इडली रवा। इडली रवा की जगह आप यहाँ उपमा रवा भी ले सकते हैं। अब हम डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। खूब बढ़िया तरीके से विस्क करना है हमें, जिससे कि पानी बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए रवा में भी और पोहे में भी। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से ले सकते हैं। देखिए, अच्छी तरीके से पानी मिक्स हो गया है। अब हमने डाला नमक और फिर से हम इसको मिक्स करते हैं। देखिए, ये धीरे धीरे पानी पीता जाएगा आप जैसे जैसे डालेंगे, लेकिन हम इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे। हमें पानी बैचेस में ही डालना है, तभी सही कंसिस्टेंसी आ पाएगी। धीरे धीरे और एक बार पानी डालेंगे। यहाँ पर अगर आपको बैटर गाढ़ा लग रहा है, मोटा लग रहा है, तो आप ग्राइंडर में एक बार हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। और अब हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक हम बनाएंगे अपनी धनिया और कोकोनट वाली चटनी। इसके लिए हमें चाहिए होगा धनिया, रोस्टेड चना दाल जो होती है, साथ में चाहिए होगा कोकोनट, जरा सी इमली, हरी मिर्च, नमक और तड़के के लिए चाहिए होगा तेल, सरसों के दाने और करी पत्ता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सी में डाल लेते हैं दाल, डाल लेते हैं हरा धनिया और कोकोनट। बस अब साथ में हम डाल लेंगे थोड़ी सी इमली, बहुत थोड़ी सी इमली है ये, और डाल लेंगे हरी मिर्च, टेस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक डाल लिया मैंने और डाल रही हूँ पानी। बस अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं इनटू अ फाइन पेस्ट, चटनी की तरीके से। देखिए, चटनी हमारी बन गई है। बस अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। लेते हैं ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लिया, डालेंगे इसमें सरसों के दाने। अब डालते हैं हम लाल मिर्च और डाला करी पत्ता। बस अब तुरंत ही इस तड़के को चटनी के ऊपर। देखिए कितनी शानदार चटनी लग रही है, टेस्ट में भी बहुत फ्लेवरफुल। तो आधा घंटा हो गया है, चलें अपने बैटर पर। देखिए कितना ड्राई है, हमने कितना पानी डाला उसके बावजूद भी। अब हम फिर से पानी डालेंगे और ये फाइनल अमाउंट पानी का है, हम कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे, अच्छी तरीके से विस्क करेंगे, जिससे कि कंसिस्टेंसी बराबर आ जाए। देखिए कितनी बढ़िया आ गई ना। अब मैं स्टीमर को गैस पर चढ़ा देती हूँ। अब हम ऐड करेंगे इनो और फिर से आखिरी बार विस्क करते हैं। बस हो गया है। जल्दी से अपने इडली के सांचे में ऑयल लगाएंगे और बैटर को, एक एक स्पून बैटर ही मैं ले रही हूँ, भर देंगे। बस स्टीमर भी तैयार है, पानी गर्म हो गया है, मैंने रख दिया है और लिड को लगा दिया है। 15 मिनट के बाद देखिए इडली तैयार है, निकाल के देखते हैं। देखिए कितने आराम से निकल गई, कोई तकलीफ नहीं हुई, है ना। तो चलिए सर्व करें। चटनी और इडली मैंने सर्व कर दी, लेकिन अभी रियलिटी टेस्ट तो होना बाकी है ना। तोड़ के तो देखे लगती कैसी है। देखिए कितने आराम से, कितनी दानेदार सॉफ्ट लग रही है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट है।
और दानेदार भी बहुत अच्छी है। व्हाइटनेस आप देख सकते हैं कितनी सफेद बनी है, देखिए बिल्कुल रुई की तरीके से है। बस तो चले डंक करें चटनी में। वाह, मैं तो चली खाने, आप चलिए बनाने। नेक्स्ट रेसिपी लेकर जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।